विच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी फॉर्म. ओके सर, सबसे पहले बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है यानी कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड है, नई बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है. स्टिल सम स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग मैम विच चैप्टर विल कम. फर्स्ट और सेकंड पुरानी बुक का मैसेज भेज रहे हैं मुझे. तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जो पुरानी बुक्स हैं उसमें हमारा जो चैप्टर है दैट इज सेकंड, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू आपका फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, और ये चैप्टर स्टार्ट होता है पाकिस्तान. तो टर्म सारी जो है वो नोट करो, इवेंट्स नोट करो सारी, ताकि आपको जब मैच द कॉलम्स अरेंज द सीक्वेंस आए देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप कौन से ईयर में, 1999. सपोज पाकिस्तान का कोई भी क्वेश्चन आता है ईयर वाइज लिखो मिलिट्री कूप 1999, देन रिफ्रेंडम इन 2002, रिफ्रेंडम इन 2002, सेम ईयर लीगल फ्रेमवर्क अगर आता है कि लीगल फ्रेमवर्क उसने कौन से ईयर में चेंज किया तो भी 2002. लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसने जो कंट्री के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए 2002. ठीक है, तो ये मेन थ्री इयर्स आपने पाकिस्तान के याद रखने. इसके बाद पार्लियामेंट का नेम, पार्लियामेंट जो है उसका नेम याद रखो. वेट वेट हाँ हाँ नाम नहीं है, आप याद रखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये पार्लियामेंट नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आर्मी के अंडर, वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. कई बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा है कि मैम पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है. नहीं बच्चे, ये आर्मी के अंडर है. सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही पता लगता है कि पार्लियामेंट नहीं है, ये आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है इसमें नजर कौन रखती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. और अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि पाकिस्तान कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो उसमें हमने क्या रीजन बताना है, क्योंकि इसमें आर्मी इंटरफेरेंस ज्यादा है, इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी. क्या क्या रीजन हो सकते हैं पाकिस्तान, क्यों नहीं हम कह सकते कि ये जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. हाँ हाँ, कैबिनेट इज नॉट इंडिपेंडेंट. कैबिनेट का मतलब होता है जो मिनिस्टर्स होंगे वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, डू यू थिंक उसकी पावर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की तरह होगी? नो, ही विल बी कंट्रोल्ड बाय आर्मी. आर्मी जो है, आर्मी ऑफिसर है, ही विल बी कंट्रोल्ड बाय आर्मी सिक्योरिटी काउंसिल. देन फाइनल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री. ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है जो इसको ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाती. फाइनल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स. ठीक है, तो ये पाकिस्तान के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट आ जाओ चाइना. नेक्स्ट इज चाइना. चाइना की पार्लियामेंट लिखो. इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज पार्लियामेंट. अब ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं चाइनीज पार्लियामेंट और पार्टी. पार्लियामेंट है एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस. पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. पार्लियामेंट और पार्टी आपको पता होना चाहिए. एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस एंड पार्टी जो है दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी. सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. टर्म कितनी है याद रखो, टर्म 5 years. बट वाई चाइना कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक, कहने को तो हम जब लिखेंगे ना नेट में लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो चाइना का नाम है, बट अगर हम इसको इवेल्युएट करें डेमोक्रेटिक आइडियाज तो नॉट अ ट्रू. वाई नंबर वन, अच्छा मेंबर्स,
मेंबर्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 3000, अप्रोक्सीमेटली 3000 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में। तो प्रॉब्लम क्या है, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, यानी कि 3000 में से कोई भी अगर एक मेंबर बनना चाहता है इलेक्शन के लिए, इवन अगर कंट्री का प्रेसिडेंट भी कोई बनना चाहता है, दे हैड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं कि नॉट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। नेशनल पीपल कांग्रेस वन पार्टी, अच्छा वन पार्टी नेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सेवरल पार्टीज आर देयर, बट दीज आर स्मॉल पार्टीज, दे नेवर मैनेज टू विन। रीजन क्या है वो नहीं जीत पाती, मे बी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है मे बी वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते होंगे, और जो लोग जिनको चुनते होंगे वो रिजल्ट लोगों के सामने नहीं आ पाता हो, ये रीजन हो सकता है। अच्छा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कितनी स्मॉल पार्टीज हैं? एट अदर स्मॉल पार्टीज, बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय चाइनीज। इसका मतलब वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट जैसा ट्रेंड नहीं होता होगा, सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है, हमेशा एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। एनपीसी है, वैसे चाइनीज लैंग्वेज में ये है क्वानंगो रेनमिन डाइबेन, ठीक है, ये पूरा नाम है, लेकिन आप इंग्लिश में याद करो ज्यादा बेटर। नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिको, ईयर 1930, इंडिपेंडेंस का ईयर याद रखो 1930। यहां की जो टर्म है ये सबसे डिफरेंट है प्रेसिडेंट की, 6 years टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमारी कंट्री में 5 years के बाद होते हैं, मेक्सिको में होते हैं 6 years के बाद। यस, इसमें भी ये कंट्री जो है हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर रूल। ये लाइन लिखो, लाइक बच्चा आप यू हैव गिवन मी द क्वेश्चन दैट विच कंट्री नेवर, इंडिया भी कभी डिक्टेटर में नहीं रहा, अगर तो उसमें इंडिया होगा तो इंडिया को टिक करोगे, अगर उसमें मैक्सिको हुआ तो मैक्सिको को भी टिक कर सकते। जैसे बुक की लाइन है, दिस कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं आया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द बुक, एंड इसमें क्या होता है आपने बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वही मार्क करोगे। सम स्टूडेंट्स लाइक दे आर सेंडिंग लाइक क्वेश्चंस ना, तो उसमें अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर वही मार्क होंगे ना, सपोज कई बार नेट में कुछ आंसर्स रॉन्ग होते हैं, लेकिन आपने बुक को फॉलो करो, मैं तभी आपको कह रही हूँ कि बार बार बुक को फॉलो करो, बुक को अच्छी तरह से रीड करो। हेयर इट इज रिटन लाइक इन द लास्ट लाइन, ठीक है, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ठीक है, अगर ऑप्शन में इंडिया होगा तो इंडिया करोगे, लेकिन ऑप्शन में अगर मैक्सिको होगा, इंडिया नहीं है तो मैक्सिको को करोगे, और मैक्सिको अगर इंडिया है तो बोथ भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शन, PRI, कहने को ये भी जो है वो डेमोक्रेटिक है, बट एक ही पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। Do you think in Mexico other than PRI many parties are there? Yes. It means Mexico jo hai, many parties are there, but this party played dirty tricks to win the elections. Yes, harassment. Kis tarah ki harassment? Ab book mein aapke harassment hai. Teachers of government school, they forced the parents to vote for this party. Media. Teachers and government officials, they had to attend the party meetings. Media cannot interfere. Criticize नहीं कर सकते हैं, oppose नहीं कर सकते हैं, और क्या है? Sometimes polling booths are shifted. जिस दिन voting होती है उस दिन polling booth shift हो जाता है, लोग vote करने के लिए घर से जाते हैं, उनको पता रहता है सेंट्री चेंज हो गई। तो इट मीन्स ये हरासमेंट है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम आए,
और लोगों को जो है लोग सोचेंगे कि हाँ जी वोटिंग करने इतनी दूर क्या जाना है, बेटर है कि ना ही जाए, ठीक है। इस तरह की हरासमेंट हो सकती है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। PRI आल्सो स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द कैंपेन। सबसे ज्यादा मनी का यूज जो है वो ये पार्टी करती है ताकि लोगों को मनी दिखाकर क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। तो दीज जो है दीज आर द फीचर्स विच मेक्स PRI और दिस विच मेक्स मैक्सिको नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा अब आ जाओ बच्चे आगे, डेमोक्रेसी की ना आपको बच्चे कुछ डेफिनेशन दी गई, इन डेफिनेशन को बच्चे फिलअप फॉर्म में आपको आ सकती। कैसे? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ऑप्शन फिलअप की बेस में आपको आएगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज आउट ऑफ फोर एनी करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सिटीजन्स भी ठीक। Then in a democracy, final decision making power must rest with those elected by the people. Elected by the people. ये definition अच्छी तरह से या तो लिख लो, आपको ये fill up form में आ सकता है। In a democracy, the final decision making power must rest का मतलब किसके हाथ में है, with those elected by the people. With those elected by the people. अच्छा मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ, मुझे बताओ इसमें से कौन इलेक्टेड बाय पीपल है। एमपीज, ठीक है, एमपीज, जजेस, गवर्नर, ठीक है, एंड सीएजीआई। सीएजीआई जो होता है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एमपीज, एमपीज मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एमपी की जगह एमएलए होता वो भी ठीक था। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड और मैंने क्या बताया, सीएजीआई इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो हमारी कंट्री के जो ऑडिट्स होते हैं ना उनको चेक करता है ऑडिट डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स चेक करना। इनकी भी आईएएस, आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर इनको क्लियर करना पड़ता है ऑडिट्स के बारे में। अकाउंट्स की नॉलेज होती है, फाइनेंस की नॉलेज होती है। सीएजीआई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एमपी, अच्छा हमारी कंट्री में किस किस से इलेक्शन जो है इलेक्टेड बाय पीपल है, एमपी, एमएलए, पीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। नहीं पर एमएलए पहले है, चीफ मिनिस्टर बाद में है, बट किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वोटिंग तो किया ना लोगों ने, वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने तो हम ये कह सकते हैं सीएम इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनडायरेक्टली, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज रॉन्ग। प्रेसिडेंट इन इंडिया इज इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब हमने जिनको चुन के भेजा वो आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं, एमपीज, एमपीज एंड एमएलएज। हु कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट, हु कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट, एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चे जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना तो लोकसभा में भी वोटिंग होती है, राज्यसभा में भी वोटिंग होती है, सभी स्टेट्स के एमएलएस को इनविटेशन भेजा जाता है कि वो वोटिंग करने के लिए अपनी अपनी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पे जाए। दैट इज सिलेक्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड एट दैट टाइम ऑल द एमएलएस विल रीच इन द असेंबलीज एंड दे विल डू वोटिंग। और उस वोटिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग द पर्सन विच वन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ जी आगे आ जाओ बच्चे, चाइना के बाद मैक्सिको हो गया। ओके अच्छा एक और डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड डैश इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ डैश चांस ऑफ लूजिंग, फेयर चांस।
तो ये डेफिनेशन को ना 3-4 बार रीडिंग करोगे ना तो ही इनके वर्ड्स क्लियर होंगे. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन. डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर, यानी कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए. फ्री एंड फेयर 3-4 बार बोलो ना, फ्री एंड फेयर याद हो जाएगा. देन वेयर दोज करंटली इन पावर, यानी कि जो करंटली इन पावर का मतलब जो आज एमपी बन गए हैं, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. 5 साल के बाद हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि हम उसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें. लेकिन डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल इन मैक्सिको एंड चाइना? नो. वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. फेयर चांस का मतलब क्या होता है, वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं. कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो जीत जाएगा, उसका कितने लोग होते हैं, लेकिन कई बार वो हार जाते हैं. रीजन क्या होता है, मे बी लोग वोटिंग, क्योंकि वोटिंग वाले दिन तो लोगों का जो है वो राइट होता है ना, लोगों का दिन होता है. लोग अंदर किसको वोटिंग करते हैं वो किसी को बताते हैं नहीं. नेक्स्ट, हाँ ये भी हो सकता है, बाहर वो किसी और पार्टी के साथ घूम रहे हैं और अंदर जाकर डिसीजन चेंज कर दें. इसलिए तो कहते हैं हमारी कंट्री में क्या है, सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है कि जब आप वोटिंग के लिए जाओगे, प्रॉपर रूम जो ब्लैक कलर से उसको कवर किया होता है, वहां पे ईवीएम होती है और आप अकेले जाओगे वहां पे. ईवीएम जो है जिसपे भी आपने प्रेस करना, बटन विल प्रेस आप करोगे, बीप की आवाज आएगी, देन योर वोट विल बी काउंट. और अगर आप घर से स्पेशल आए हो, आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, देन यू हैव अ ऑप्शन, नोटा, NOTA, नॉट इंटरेस्टेड. मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी पार्टी में. नन ऑफ दी वर्ब भी हो सकता है कि आपको कोई भी पार्टी जो है पसंद नहीं है, तो आप आए हो लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, हाँ जी, वो अलग हो जाता है. टर्न आउट का मतलब होता है वो आया तो है ना. हाँ जी, हाँ फिर से होगा. सपोज अगर लोगों ने नोटा कर दिया तो कोई इलेक्ट नहीं होगा, तो इलेक्शन फिर से होगा. और हाँ, अगर ऐसा होता ना, अगर दूसरी बार फिर से इलेक्शन हो, फिर से ऐसा हो, देन प्रेजिडेंट कैन टेक सम डिसीजन. क्योंकि बार बार इलेक्शन में इतना पैसा स्पेंड करना जो है, गवर्नमेंट के पास इतने सफिशियंट फंड्स नहीं होते कि एक बार इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट ना बने, दूसरी बार फिर इलेक्शन हो, थर्ड टाइम. दोनों पार्टी ड्रॉ हो जाएगा. हाँ, ऐसे में फिर क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोलिजन गवर्नमेंट के लिए, दोनों पार्टीज को कोलिजन गवर्नमेंट के लिए कन्विंस कर सकते. वो उसमें क्या होगा, फिर लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी. 300 एमपीज जो हैं, अगर प्रूव कर देते हैं कि वो इस पार्टी की गवर्नमेंट चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं, 4/3. हाँ जी, वो ये फायदा होता है कि एटलीस्ट हमें पता लगे कि लोग पॉलिटिकल कॉन्शियस हैं. वो इसलिए, जैसे जिस दिन वोटिंग होती है ना, नेक्स्ट डे आ जाता है कि टर्न आउट 67% लोगों ने वोट किया. तो जिन्होंने नोटा सेलेक्ट किया वो भी उस 67% में ही है ना, कि लोग आए हैं लेकिन वो अपनी. हाँ हाँ जी, नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया. यस, सऊदी अरेबिया वुमेन आर नॉट गेटिंग राइट टू वोट. ठीक है, सेकेंड, इन विच कंट्री रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर गेटिंग राइट टू वोट. एस्टोनिया. तीन कंट्रीज का नेम याद रखो, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी. सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लोकल बॉडीज में इलेक्शन के लिए. लेकिन अभी भी अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वुमेन की पोजीशन नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ शेख फैमिलीज हैं और वो कभी भी वुमेन को अलाउ नहीं करेंगी पार्लियामेंट में. देन सेकंड इज एस्टोनिया. कौन सी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होती है वहां पे? रशियन. ठीक है, हाँ जी, वुमेन दे आर नॉट गेटिंग राइट टू वोट. मैन का पावर है वहां पे, वुमेन की पावर नहीं. इलेक्शन का मतलब होता है सम सीट्स, नॉट ऑल द सीट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी आपने सोचा कि वहां की क्वीन बन गई है, प्रिंस है वहां के हमेशा. यूके एंड सऊदी अरेबिया बहुत डिफरेंट है. लिसन, वेट वेट, ओके. धैर्य एंड गुरपाल का क्वेश्चन है कि यूके और सऊदी अरेबिया में क्या डिफरेंट है. लिसन, इन सऊदी अरेबिया मोनार्की सिस्टम इज देयर. मोनार्की का मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे किंगशिप है,
वहां पे जो प्रिंस फैमिलीज हैं, शेख की फैमिली है, उसी फैमिली में से ही आगे जो रूल जो है वो मिल, इलेक्शंस नहीं होते कंट्री में, ठीक है। यूके में क्या है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दी गई है, क्वीन बकिंगम पैलेस में रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, लेकिन उनकी किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं। अदरवाइज देखा जाए तो यूके में इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे टू हाउस भी हैं, और लोग जो हैं वो 5 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, वहाँ की कंट्री में क्या है, क्वीन। यूके में प्रेसिडेंट नहीं, यूके में सिर्फ क्या है, प्राइम मिनिस्टर। वो अलग बात है कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को हम 5 ईयर्स के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूके में जो एक बार क्वीन है, क्वीन की फैमिली थ्रो आउट फैमिली जो है वो रॉयल फैमिली, लोगों के मन में अपनी क्वीन के लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि वो क्वीन का स्टेटस हटाने पर। तो आज भी कंट्री में बकिंगम पैलेस में जो भी इंपॉर्टेंस, पूरा उनका रॉयल फैमिली का जो खर्चा है वो कौन उठाती है, गवर्नमेंट का। बस आप ये सोच लो कि जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, उनकी कंट्री में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है। हमारी कंट्री में जैसे प्रेसिडेंट का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी कंट्री में क्वीन का नाम हर कोई जानता है। हमारी कंट्री में इंडिया डेमोक्रेटिक है, उनकी कंट्री जो है ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन पार्शियल मोनार्की स्टिल देयर, वहां पे अभी भी मोनार्की सिस्टम देखा जा सकता है। हाँ जी, अभी तो कोई पावर नहीं है क्वीन के पास, अभी कोई पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं, एडवाइस ले सकते हैं। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आगे क्वीन के जो बेटे थे प्रिंस, उनमें से एक जो बेटा है ना, उन्होंने अपनी रॉयलशिप जो है उसको क्या कर दिया, अबंडन का मतलब उन्होंने कि गवर्नमेंट से किसी भी तरह से अब रॉयल फैमिली का कोई भी खर्चा वो नहीं उठाएंगे, एंड ही लेफ्ट द कंट्री आल्सो, उन्होंने कंट्री भी छोड़ दी आगे। कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद। यस बच्चे आगे, फिजी। यस फिजी, फिजी की क्या प्रॉब्लम है, ये ट्रूली नॉन डेमोक्रेटिक है। अगर आप इसको नेट पे फाइंड करते हो कि व्हाट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन फिजी, दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक। व्हाई, क्योंकि फिजी में आप इमेजिन करो दो तरह के लोग हैं, जो वहां के बॉर्न सिटीजन हैं, अगर वो वोटिंग करेंगे तो उनकी वोट की वैल्यू डबल मानी जाएगी। जो इंडिया से वहां गए हैं या किसी और कंट्री से वहां पे गए हैं, चाहे उनको सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन अगर वो वोटिंग करेंगे तो उनका वोट एक माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हमेशा किनकी बनेगी, जो वहां के बॉर्न सिटीजन है, उनकी फैमिलीज भी सदियों से वहां की बॉर्न सिटीजन है। अगर इंडिया से लोग गए भी हैं तो उनका स्टेटस हमेशा इंडियन फिजी ही रहेगा। उनकी फैमिलीज, अगर वहां पे किसी का बर्थ भी होता है लेकिन उनका रेस क्या है, इंडियन, तो उनकी जो वोटिंग वैल्यू है वो सिंगल ही रहेगी। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन फिजी, क्योंकि फिजी के लोग नहीं चाहते कि हमारी कंट्री में अगर कल को पॉपुलेशन बढ़ भी गई किसी और जो लोगों या किसी और रेस की, तो वो नहीं चाहते कि उनका पॉलिटिकल जो स्टेटस है उनके जो है इंटरफेरेंस हो। हाँ जी, सपोज आप ही हो, हाँ आप कहते हो कि हमारे रिलेटिव वहां पे हैं, ठीक है, वहां पे किसी जो है बॉर्न सिटीजन है ना, तो उनके वोट की वैल्यू जो है वो सिंगल ही होगी, क्योंकि वो इंडियन है, हाँ इंडियन है। लेकिन पता है आपको, लेकिन कनाडा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वहां का इंडियन बॉर्न सिटीजन है ना, तो दे आर गिवन पॉलिटिकल राइट टू वोट एंड देयर वोट इज इक्वल, चाहे कनाडा है चाहे यूएसए। अगर वहां के बॉर्न सिटीजन बन गए हैं या सिटीजन है, तो उनके वोट की वैल्यू जो है वो सेम होगी। फिजी में ऐसा नहीं है। मदर, मैटरनल साइड है तो उसको फिजी ही माना जाए, मैटरनल साइड है तो फिजी माना जाए, मदर अगर फिजी की है तो। हाँ जी, यही रीजन है जो बच्चे कहते हैं ना, पंजाब से जाते हैं वहां पे फॉरनर से मैरिज करते हैं तो सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है उनको। यस हाँ, मूवीज का इम्पैक्ट है ना, मूवीज में देखा है ना ये। यस बच्चे, नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे। इन विच ईयर दिस कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस, 1980। फ्रॉम विच रूल, किनसे मिली थी, वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट, वाइट यूरोपियन भी कह सकते हो,
1980 House of Common, House of Lords. House of Common, House of Lords. जैसे हमारे है लोकसभा एंड राज्यसभा. बच्चे हमने ये पढ़ ली. हाँ जी. नेक्स्ट इज पार्टी. नेम ऑफ पार्टी इन जिम्बाब्वे. ZANUPF. एंड लीडर ऑफ दिस पार्टी रॉबर्ट मुगाबे. रॉबर्ट मुगाबे. अनफेयर प्रैक्टिसेस. व्हाई दिस पार्टी कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक. नंबर वन, प्रेसिडेंट मुगाबे, ही रूल्ड द कंट्री फॉर 17 years. ही रूल्ड द कंट्री फॉर 17 years. इलेक्शंस वर कंडक्टेड, बट इन एवरी इलेक्शंस ऑलवेज दिस पार्टी and Robert Mugabe, he able to manage to win the elections. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट लिखो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट. आपको कोई भी इसमें से फिलअप आ सकता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना भी है, इसका प्रोसीजर बहुत टफ है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय. तुषार, व्हाट हैपेंड टू यू, कम हियर, पेन शिफ्ट कर लो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट. यस. नेक्स्ट डेफिनेशन. Democracy is a form of government in which the rulers are dash elected by the people. Rulers are elected by the people. Okay, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफरेंट मेरिट्स विल बी गिवन. एक डीमेरिट होगा तो आपको उसमें से रिकॉग्नाइज करना, ऑड वन आउट ऐसे भी. क्योंकि हमने आपको डिटेल में जब करवाए थे 5 merits 5 demerits. अब क्वेश्चन 1 mark के अकॉर्डिंग कैसे आ सकता है. 4 statements will be given. 1 is demerit. Then you have to recognize 3 merits हैं, उनमें से एक क्या हो सकता है demerit. या फिर आपको सारी स्टेटमेंट्स में एक आपको मेरिट होगा, बाकी सारी demerits हैं, तो आपको ऑड वन आउट जो है वो सिलेक्ट करना. ठीक है. लाइक demerits एक बार फिर से देख लो. नंबर वन, लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, इंस्टेबिलिटी हो गई. देन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले. पावर प्ले का मतलब क्या है, जिस पार्टी के हाथ में पावर है, जिस पार्टी के हाथ में मनी है, जिस पार्टी के पास मसल पावर है, हमेशा वो ही जीतती है. कई बार ऐसा भी होता है. एंड बहुत कम ऐसा है कि ऑनेस्ट लीडर जो है वो इलेक्शन में जीते हूँ. डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ पार्टी. डिफेक्शन, DEFECTION, डिफेक्शन. बच्चे टाइम इज ओवर. आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन टेस्ट.